वही विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु केदारनाथ पैदल मार्ग सहित धाम में उपलब्ध सुविधाओं से अभिभूत नजर आ रहे हैं, साथ ही सरकार और जिला प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। वही जौनपुर से यात्रा पर आई ममिता नौटियाल उत्तरकाशी जनपद के केशव डोभाल ने दर्शन के बाद कहा कि पहली बार केदारनाथ धाम की यात्रा की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की यात्रा के सुखद अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं से भी केदारनाथ धाम आने की अपील की है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद महाराष्ट्र शहर के अमरावती पहुंचे श्रद्धालुओं ने उत्साहित होकर बताया कि केदारनाथ धाम में सभी व्यवस्थाएं काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से केदार बाबा के दर्शन हुए हैं। बाबा केदार के जयकारों का उद्घोष करते हुए उन्होंने बताया कि दर्शन के बाद उन्हें बहुत ही सुंदर एहसास हुआ है। वही दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने केदारनाथ पैदल मार्ग और धाम में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना करते हुए सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। क्या कहते हैं श्रद्धालु, सुनिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जय बाबा केदार। मैं केशव डोभाल, मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। ये मेरी पहली बार की यात्रा थी जो बहुत ही सुखद रही। यहाँ का जो अनुभव रहा, अनुभव इतना बेहतर था कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और जो बाबा केदार की इतनी कृपा रही कि आज न कोई हमें परेशानी हुई, न दिक्कत हुई, और मौसम ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। बाबा केदारनाथ के आके हमें स्वच्छता, खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी हम लोगों को। हम लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे। यहाँ पर एक स्वर्ग जैसा, मतलब ऐसा फील होता है। तो आप लोग भी आए और यहाँ का दर्शन करें और स्वर्ग जैसा सुकून।